जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य ही बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही माता रानी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन चार भाग्यशाली राशि जातकों के बारे में बताऊंगा जिनकी सगाई के योग सितंबर महीने में बन रहे हैं और यह योग गुरु और शुक्र के राशि परिवर्तन के आधार पर है। आपको बता दें कि अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, यानी कि विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, संतान योग कितनी संतानें होंगी, इसके अलावा सास ससुर कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, घर द्वार कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, साथ ही चरित्र स्वभाव अनुकूलता स्वास्थ्य भाग्योदय, तो ये सभी प्रकार की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं और इसमें नक्षत्र के हिसाब से बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, बच्चे के कैरियर को नया आयाम दे सकते हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, आसान शब्दों में कहे तो धन अभाव तो नहीं होगा, इसके अलावा उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, चरित्र कैसा रहेगा, ये सभी प्रकार की जानकारी जो है बच्चे की जन्म कुंडली बनवा कर ज्ञात कर सकते। ऐसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है और वे दूसरी शादी करना चाहते हैं, आसान शब्दों में अगर कहे तो उनका तलाक हो गया हो और दूसरी शादी करने के इच्छुक हैं, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली से यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी कब तक होगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। जी हाँ, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और बता दें आपको कि कुंडली बनवाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपकी शादी हो रही है, शादी तय हो रही है, तो आप कुंडली का मिलान अवश्य करा लें, क्योंकि कुंडली मिलान में कई प्रकार के दोष लगते हैं, उन दोषों का बारीकी से विचार करना अनिवार्य होता है। अनदेखी करने पर जो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि शुक्र जो है विवाह के कारक होते हैं, गुरु जो है विवाह के कारक होते हैं, गुरु लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं, शुक्र लड़कों के विवाह के कारक होते हैं, और जब गुरु मजबूत हो तो लड़की की शादी शीघ्र आती है, वहीं अगर शुक्र मजबूत हो तो लड़कों की शादी शीघ्र आती है। शुक्र सुखों के कारक है तो गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, गुरु जो है सभी प्रकार के शुभ कार्यों के कारक होते हैं। शुक्र जो है सुखों में वृद्धि करते हैं, प्रेम विवाह रोमांस आदि के कारक होते हैं, तो शुक्र के मजबूत रहने से जातक के जीवन में हमेशा सुखों का आगमन होता है। तो शुक्र जो है वर्तमान समय में सी राशि में विराजमान है, लेकिन आने वाले समय में अगले सप्ताह जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और प्रवेश कर जाएंगे कन्या राशि में। वर्तमान समय में सी राशि में है और फिर वो कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे और कन्या राशि में विराजमान होंगे और उसके पश्चात शुक्र जो है राशि परिवर्तन कर प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि उनकी स्वयं राशि है क्योंकि तुला राशि के ही स्वामी जो हैं शुक्रदेव हैं। तो 26 अगस्त को जो है सुखों के कारक शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उसके पश्चात जो है ये 18 सितंबर तक रहेंगे कन्या राशि में और फिर 18 सितंबर को जो है ये प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में जो है ये 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहे कि शुक्र जो है कन्या और तुला दोनों राशि में प्रवेश करेंगे सितंबर महीने में और दोनों राशियों में रहेंगे। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु वर्तमान समय में वृषभ राशि में ही है, आगामी समय में वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे और नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र में अभी गोचर हुआ है गुरु देव गुरु बृहस्पति का और ये 28 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। बात करें अगर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन की तो 2 सितंबर को शुक्र जो है हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर
13 सितंबर को चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 23 सितंबर को स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 4 अक्टूबर को फिर विशाखा, यानी कि 23 सितंबर अंतिम नक्षत्र परिवर्तन होगा शुक्रदेव का सितंबर के महीने में। तो ये जो 4 नक्षत्रों में इनका प्रवेश होगा, तो इससे जो है 4 भाग्यशाली राशि के जातक के सगाई के योग सितंबर महीने में बन रहे हैं। आइए उससे पहले मैं आपको नक्षत्र की जानकारी दे देता हूं। तो इस वीडियो में आपको मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की जानकारी दूंगा कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। तो पहले पुरुषों के बारे में बता देता हूं। तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे पुरुष आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, ये अपने जीवन में पहले से ही कई लोगों से धोखा खा चुके होते हैं, इसलिए हमेशा स्वयं पर ही विश्वास करते हैं। इन्हें किसी पर विश्वास करने में बहुत समय लगता है और एक बार ये विश्वास कर लेते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि एक बार धोखा खाने के बावजूद ये उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करते हैं, बल्कि उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे संबंध बनाए रखने के प्रयास करते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आंख मुंद पर उन पर भरोसा करते हैं, व्यवहारिक चीजें करते हैं और उनको कभी धोखा देने की कोशिश नहीं करते हैं। अपनी गतिविधियों पर भी ध्यान रखते हैं, उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखते हैं और स्वभाव से बेहद जेंटलमैन होते हैं कि स्वभाव की तरह होते हैं। ये कह सकते हैं मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे पुरुष वैसे नहीं होते हैं जो खुद को कुछ और पेश करते हैं और अलग में कुछ और होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं। तो सोने जैसा इनका दिल होता है और एक बार ये किसी के साथ घुल मिल गए तो फिर ये अच्छा व्यवहार के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। बताए कैरियर की, तो वित्तीय मामले में अच्छी सलाह देते हैं, तो आप CA वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, अकाउंटेंट वगैरह की, MBA कर सकते हैं, इसमें भी आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। और कई अवसर पर इन्हें पैसों की तंगी भी होती है, ये शिक्षित होते हैं, व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 32 वर्ष की बाद जो है इनके व्यवसाय में जो है वृद्धि होने लगती है और 33 से 50 वर्ष की आयु के बीच ये स्थिर हो जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी आ जाती है। बात के अनुकूलता की, तो पत्नी से इन्हें बेहद प्यार होता है, लेकिन किसी न किसी वजह से इनके पति और पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, यह कारण घर की कलह स्थिति पैदा करती है। कैरियर में बहुत ज्यादा सफल होते हैं, दूसरे के मन में हीन भावना उत्पन्न करते हैं, तो इस वजह से पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की द्वंद बनी रहती है। हालांकि यह मामूली है, इसमें कोई विशेष विषय चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बात करें बचपन से कोई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें कब्ज, पेट से संबंधित परेशानी होती है, पाचन संबंधी चोट लगने की, कंधे में दर्द होने की या कॉलर बोन में चोट लगने जैसी समस्या इनके साथ बनी रहती है। अब बात करें महिलाओं की, तो मृगशिरा नक्षत्र की महिलाएं भी छली नहीं होती, धोखेबाज नहीं होती, मन की बहुत साफ होती है, दिल की बहुत साफ होती है, लेकिन जुबान से बहुत तेज होती है। इनकी बातें किसी किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमेशा ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती हैं और जो इनसे संपर्क करना चाहते हैं और जो इनसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं उनके साथ ये आगे बढ़ती हैं। महिलाएं बहुत मजाकिया होती है, कुछ अवसर पर ये स्वार्थी भी हो जाती हैं। इन्हें सोशल वर्क करना बहुत पसंद होता है, आर्ट्स के काफी शौकीन होते हैं। ये एक बार अपने जीवन में सेटल होने में विश्वास रखती हैं, भरे परिवार में जो है इनकी खूब मानदान होता है, वित्त स्थिति भी इनकी काफी मजबूत रहती है। अगर मृगशिरा नक्षत्र महिलाओं की बात करें तो इनके जो है वित्त स्थिति बहुत ही मजबूत रहती है और यह वजह है कि इनके चलते जो है इनके जीवन साथी का भी भाग्योदय होता है, बुद्धिमान होती हैं, इसके चलते जो है धन अर्जित करने में ये सफल होती हैं, इन्हें परेशानी नहीं होती है जीवन में और हर क्षेत्र में बेहतर कार्य करती है। वैसे अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें जाए तो इनमें यह बेहतर प्रदर्शन करती है। बात करें अनुकूलता की, तो ये थोड़ी सी उग्र होती है, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये गुस्से की तेज होती है और जुबान से भी तेज होती है, तो कई अवसर पर जो है ससुराल में जो है सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, लेकिन अपने काम में मस्त रहती हैं और अपने कामों के प्रति जो है ये सफाई देना पसंद करती हैं। इन्हें अपनी गलती का एहसास जल्द हो जाता है और उन्हें सुधारने की भी ये पूरी कोशिश करते हैं, इससे इनका वैवाहिक जीवन बेहद शुभ और सुखद बीतता है। बात करें स्वास्थ्य की, तो जैसे एसिडिटी, मेनस्ट्रुअल, महिलाओं को होने वाली समस्याएं, ये सब शरीर में दर्द, ये सब बीमारियां जो है इनको बनी रहती है, तो ये जो है मृगशिरा नक्षत्र महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखें, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाहरी जंक फूड को आप ज्यादा ग्रहण ना करें। आइए मैं आपको उन 4 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो आपको बता दूं कि जब शुक्र का गोचर होगा कन्या राशि में, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, यानी कि विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं और जो है सगाई के भी योग सितंबर महीने में बन सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो है आपके जीवन साथी भाव को देख रहे
हैं। और जब आपके जीवन साथी भाव को शुक्र देखेंगे तो ऐसे जातक जिनकी आयु 26 वर्ष से अधिक हो चुकी है मीन राशि के हैं, तो उनके लिए शुभ योग बन रहा है कि सितंबर महीने में आपकी सगाई अवश्य ही हो जाएगी अगर आप मीन राशि के जातक है। इसके अलावा राहु का भी गोचर वर्तमान समय में हो रखा है, केतु भी आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, तो 18 सितंबर तक आपके लिए शुभ योग है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो 18 सितंबर तक आपके सगाई के योग बन रहे हैं अगर मीन राशि के जातक है। उत्तर और पूर्व दिशा विवाह के लिए उचित रहता है मीन राशि के जातकों के लिए, तो अगर आप विवाह रिश्ता ढूंढ भी रहे हैं तो आप उत्तर और पूर्व दिशा की ओर गमन कर सकते हैं, उन दिशाओं से रिश्ते आ सकते हैं। अगर बात करें राशि की तो मेष राशि के जातक मीन राशि के जातक के लिए, कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक, धनु राशि के जातक उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, शांत चित्त के होते हैं, तो इन्हें इन राशि के जातकों के साथ विवाह करना चाहिए। वृश्चिक राशि, सिंह राशि आदि जातकों से इन्हें इनका सामंजस्य बैठता नहीं है। तो ये मीन राशि के जातक है, जब शुक्रदेव तुला राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों के जीवन साथी भाव को जो है शुक्रदेव देखेंगे और इससे जो है मेष राशि के जो भी जातक है उनके लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी है, सितंबर महीने में आपके घर सगाई के लिए रिश्ते आ सकते हैं और रिश्ते तय भी हो सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। वर्तमान समय मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है, क्योंकि गुरु जो है आपके धन भाव को देख रहे हैं और तो इससे आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और उससे जो है ज्ञान का भी अर्जन होगा, सुख में वृद्धि होगी अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो द्वितीय भाव में जो है आपके गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा अगर आप मेष राशि के जातक। इसके अलावा सितंबर महीने में जो है 18 सितंबर के बाद आपके लिए शुभ योग बन सकता है, विवाह प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है अगर आप इच्छुक हैं तो। मेष राशि के जातक के लिए दक्षिण दिशा उत्तम माना जाता है, इसके अलावा पूर्व की भी दिशा भी मेष राशि के लिए रहता है। मेष राशि के जातक के लिए मीन राशि भी परफेक्ट कपल पार्टनर बनते हैं, तो मेष राशि के जातक अगर मीन राशि के जातक से प्रस्ताव आता है तो कुंडली मिलान कर, अगर कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं अगर आपकी राशि है तो। के अलावा कर्क राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है, क्योंकि आपके गुरु जो है एकादश भाव पर दृष्टि पड़ी हुई है और एकादश भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो कई ज्योतिषों का मानना है कि उससे विवाह के योग बनते हैं, तो कर्क राशि भी और इसमें गुरु भी उच्च के होते हैं तो गुरु की कृपा कर्क राशि के जातकों पर बनी रहती है, तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो। आपके लिए जो है भगवान शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें, पूर्व और दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ है, इन दो दिशाओं में विवाह प्रस्ताव लेकर जा सकते हैं या इन दो दिशाओं से ही विवाह प्रस्ताव आता है। 4 तारीख का दिन शुभ रहता है या फिर 22 तारीख का दिन आपके लिए शुभ रहेगा सितंबर के महीने में, तो आप इन तारीखों के पर जो है शुभ कार्य कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि अंतिम राशि है जिनके सगाई के योग बन रहे हैं, जैसा मैंने पूर्व के वीडियो में बताया, नए व्यूअर्स को बता दूं कि वृश्चिक राशि के जातक के लिए वर्तमान वर्ष जो है बहुत शुभ है और इस वर्ष में आपके सगाई के होने के, शादी होने के, परिणय सूत्र बनने के, ससुराल जाने के, ससुराल में बसने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनके विवाह में बाधा आ रही है तो उन्हें कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए और अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण तत्काल से कर लेना चाहिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर का महीना इस वर्ष के लिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अंतिम रहेगा। हालांकि हिंदी वर्ष के अनुसार से तो शादी का सीजन प्रारंभ ही होगा, लेकिन दिसंबर और नवंबर का महीना जो है इस दौरान आपके विवाह के योग बने, इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के भी जातक के सितंबर महीने में सगाई के योग प्रबल बन रहे हैं और अगर बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा ही आपके लिए शुभ है। आपके लिए सिंह राशि के जातक मिथुन राशि के जातक परफेक्ट पार्टनर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहे गुरु, हर महादेव।